यह क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि अभी जो टाइम है, आज जो है 17 तारीख हो गई है और उसके मध्य जो है आपका एक त्यौहार भी है, ठीक है, त्यौहार भी है, तो आपको त्यौहार भी देखना है ना। कहाँ गया ये क्या आ रहा है भैया? तो है ना, तो त्योहार है तो त्योहार भी आपका आपको मनाना है और उसके साथ जो है तैयारी भी करनी है। बहुत सारे लोग सीरियस हैं जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई जो है ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो ऐसे में क्या करें, लास्ट टाइम में अभी जो टाइम है हमें उसमें क्या करना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। जिनको सिर्फ नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, तो आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या मतलब, सिलेक्टेड जो चीज़ें हैं, जो आपका सिलेबस है उस पर ही ज़्यादा आपको फोकस करना है। पेपर फर्स्ट आपको जेआरएफ दिलाएगा, पेपर फर्स्ट पे आपको काम करना है। तो पेपर फर्स्ट के लिए तो मैं यही कहूँगी, देखिए बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं लैपटॉप से पहली बार ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं डेमो मतलब बना रही हूँ कि देखें कैसे क्लास बनेगा, सही बनेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या मैं बोलूँगी रिकॉर्डिंग में, क्या बोलूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इस पर बात कर लेते हैं। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे पता हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको भी हेल्प मिलेगी, राइट। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो लगभग एक दो लोगों को हेल्प मिल जाएगी, वही बहुत है ना। क्योंकि नेट जेआरएफ आपको पता है कि 100% में 100 मतलब 10 लाख विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है। 10 लाख तो पूरे बैठते भी नहीं हैं, 10 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। 100% में मतलब जो भी 100% बैठेंगे, जो भी संख्या होगी वो 100% होगी। उस 100% जो है संख्या का 6% नोट डाउन कर लीजिएगा, इस 6% में आपको आना है। अभी भी टाइम है आपके पास, इस 6% में आएंगे तभी आपको नेट क्वालिफाई, आपका नेट आपको मिलेगा, ठीक है, इस 6% में। यदि आप इस 6% से आगे निकलते हैं 2% में, तो आपको मिलता है जेआरएफ। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, सब इसी में इंक्लूड है, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस 100% से आपको यहाँ जाना है, इसमें घुसना है, ठीक है, ये है। अब आपको सोचना है कि आपको उन 94% लोगों में रहना है, ठीक है, 94% लोगों में रहना है, या फिर आपको 6% लोगों में आना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अभी भी टाइम है, ये 10 दिन में आपकी आपको सक्सेस दिला सकते हैं कि आप जो है बेफालतू की चीज़ों में ना उलझें। अभी आपको क्या करना चाहिए, जो 10 यूनिट हैं, ठीक है, दो पेपर हैं, कोई भी आप मान लीजिए, मैं इधर फर्स्ट सेकेंड पेपर लिखती हूँ 100 प्रश्न, इधर 50 प्रश्न का ये आपका प्रथम पेपर। यदि आप नेट में 65 प्रश्न, सब्जेक्ट 25, पेपर फर्स्ट बना लेते हैं तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा 100%। इसके लिए अब आपको क्या करना है, जो 10 इकाई है पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिंदी साहित्य की बात करती हूँ, जो हिंदी साहित्य में पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मतलब पढ़ा क्या रही हूँ, मेटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ आपको। हायर एजुकेशन में पढ़ाया नहीं जाता है ना, वहाँ तो मेटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ पे मेटेरियल प्रोवाइड करा के आपको बताया जा सकता है कि हाँ आप ऐसे पढ़िए तो आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि ये जो है इकाई 10 दिन और 10 इकाई नोट डाउन करिए, सभी इकाई को, ये अलग अलग चैप्टर, मतलब ये एक पेज आप निकाल लीजिए,
एक पेज निकाल लीजिए, उस पेज मतलब सॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत विस्तार नहीं बनाना है, यहाँ पे अब आपका जो टाइम है 10 दिन का, वो बहुत विस्तार, बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने का नहीं है। जो बहुत सारी बुक रखी है उनमें से सिलेक्टेड बुक उठा के अपने पास रखनी है, अपनी टेबल पे जो स्टडी टेबल है उस पे। वैसे ही आपको बहुत सारी जो रफ आपने नोट्स बनाए होंगे उनमें से सिलेक्टेड एक नोट्स नोटबुक उठानी है, उसमें एक पेज उठाना है और उस पेज पर आपको ये स्लाइड बनानी है। 100 प्रश्न सेकेंड पेपर, 50 प्रश्न प्रथम पेपर, प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है? प्लस ये टारगेट है और ये आपको माइंड में बना लेना है कि इतना तो कर ही लेना है। बहुत पढ़ा है, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, ये मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ जिन्होंने पढ़ा ही नहीं और वो कर लेंगे, असंभव है। जिन्होंने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, PYMCQ लगाए हैं, MCQ लगाए हैं, उनके लिए है कि आप 10 दिन आप थोड़ी मेहनत और कर लेंगे तो आप पार हो जाएंगे, आप जो है यहाँ आ जाएंगे इसमें, ठीक है? 6% में। तो आपको वो 10 इकाई सेकेंड पेपर की, 10 इकाई हिंदी वो पेपर प्रथम जो है प्रथम पेपर की आपको यहाँ पे लिख लेनी है और फिर देखना है कि कहाँ पे क्या छूट रहा है, क्या क्या पढ़ लिया है, क्या रिविजन के लिए छूट रहा है। जैसे इकाई जो हमारी 4 5 मतलब 4 छोड़ दीजिए, साहित्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है हिंदी साहित्य में, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इकाई जो है हिंदी कविता है, हिंदी उपन्यास है, हिंदी नाटक है, हिंदी कहानी है, हिंदी निबंध है, अन्य गतिविधाएं हैं, उनमें जो पात्र आते हैं सभी में पात्र पूछे जाएंगे। सभी के पात्र नोट डाउन कर लिए, मतलब कितना शॉर्ट में बना लीजिए। नाटक के शायद 13 उपन्यास हैं, उन उपन्यासों के प्रमुख प्रमुख पात्र जो हैं निकाल लीजिए, जहाँ भी आप जुड़े तो होंगे कहीं पे, उनको देख लीजिए, कथन देख लीजिए। अरे भाई, अगर संवाद आपको याद नहीं रहेंगे तो कम से कम पात्र तो याद रहेंगे। रिवीजन और टाइम भी आपको देना है थोड़ा ज़्यादा, भले परीक्षा से एक दिन पहले छोड़ देना, लेकिन अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, लगभग बढ़ा दीजिए, 7 घंटे कर दीजिए, क्योंकि बिना 7 घंटे के मुझे नहीं लगता कि अभी आपका कल्याण हो पाएगा, है ना? पहले से अगर आप 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हैं तो इस समय 7 घंटे कर दीजिए, तो आपको निश्चित आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है GR। और थोड़ा हेल्थ पर भी काम करना, क्योंकि बिना हेल्थ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया, रिवीजन मस्ट है, जो छूट गया उसका रिवीजन कर लीजिए, जो रिवीजन किया है, जो पढ़ा है उसको तो रिवीजन कर ही लीजिए। वही इधर सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर PYMCQ स्टार्ट करिए कि 150 प्रश्न डेली लगाएं, मतलब एक प्रश्न पत्र के 3 गुना, ठीक है? 150, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके जो इसका जो पैटर्न है ना, उसका अभ्यास हो जाएगा आपका। 150 प्रश्न डेली लगाइए, 150 प्रश्न डेली प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा। और इनका भी करना है, ऐसा नहीं इनका नहीं, इनका बिना किए आपको हो जाएगा, नहीं, इसको भी करना है, ठीक है? मस्ट, रिवीजन मस्ट है, और नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, बहुत अच्छा रहेगा सफलता मिलने के लिए। और क्लियरिटी मैंने बता दी आपको है कि ये 6% और 2% पे आना है तो मेहनत करनी होगी, अगर इधर 94% में रहना है तो फिर आप चाहे कुछ भी करिए, ठीक है? कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बताइएगा। मैं सिर्फ जो है एक जो है मैंने डेमो बनाया है कि हाँ देखें रिकॉर्डिंग में कैसा रहेगा, रिकॉर्ड करके लैपटॉप से ही अपलोड करूँगी वीडियो को, तो कैसे कैसा क्या रहेगा इसमें, ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बाकी लाइव सेशन हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी जो है लैपटॉप से जो मेरे पास PDF है उससे रिवीजन करा दूँ, मैं महामैराथन करा दूँ 2 घंटे, क्योंकि मेरे पास टाइम है, ठीक है? टाइम नहीं भी है और है भी कुछ नहीं, तो मैं शाम को जो है 4 से 5 6 4 से 5 6 6 बजे तक मैं लाइव सेशन करा सकती हूँ महामैराथन का, रिवीजन क्लास, जैसे उपन्यास का है, नाटक का है, सरस्वती पांडे से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ देर आप बुक में पढ़ेंगे, कुछ देर यहाँ आके पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा 2 3 दिन 2 3 दिन तक, है ना? और रात्रि में तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, रात्रि में जो क्लास आती है 8:30 से 9:30 के बीच में होगी, तो